नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक मशीन में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने Redmi 3S Prime को MIUI 8 वर्जन 8 में कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक OTA अपडेट आई है MIUI 8 की, और इसकी तरफ हम देखें तो एक 246 MB की अपडेट है जो कि स्टेबल है, और MIUI वर्जन 8 पर है। ये इसके चेंज लॉग्स हैं, जितने भी चेंजेस आएंगे इस अपडेट को करने के बाद। आप देख सकते हैं स्टेबल रोम है, 264 MB कि इसका साइज है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ, और डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये अपडेट हमारी डाउनलोड हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये 0% है अभी, जितना आपका वाईफाई का इंटरनेट कनेक्शन होगा उस हिसाब से होगा। इस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बैटरी फ़ोन की 80% अबव होनी चाहिए, और जब आपकी अपडेट डाउनलोड हो जाए तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिबूट नाउ, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ोन ये रिबूट होएगा और कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो इसको होने में कुछ टाइम लगता है, यहाँ 20 मिनट हो गए और हमारा फ़ोन अपडेट हो गया है। तो यहाँ पर हमारी जो लॉक स्क्रीन थी उसमें कुछ चेंजेस थे MIUI 8 की वजह से, तो हमने इसको लॉक खोला है। मैं आपको दिखा देता हूँ MIUI 8 वर्जन, या हमारा सेटिंग्स में भी चेंजेस आ गए हैं। तो मैं आपको नीचे अबाउट फ़ोन में जाता हूँ। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो MIUI वर्जन था वो 7.6 से चेंज होके 8.0.2 पर आ गया है। तो हमारा MIUI जो वर्ज़न है 8 है, MIUI 8, वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है हमारा फ़ोन Redmi 3S Prime। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कोई और अपडेट्स अवेलेबल नहीं है, और MIUI 8 जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।